all are doing great. So most welcome back to my channel. So in today's video I'm going to create a look जो कि एक वैलेंटाइन्स डे के ऊपर एक लुक होने वाला है. बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ग्लोई सा एक मेकअप लुक होने वाला है. तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ बताऊंगी. लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कई सारे वीडियोस डाले हैं मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे, तो आप लोग जाकर देख भी सकते हो. और या मैंने स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आपके साथ स्किन केयर शेयर करती हूँ. सो वो थोड़ा टाइम लग जाता है, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाता है. तो आज का वीडियो मैं बहुत ही छोटा करने की कोशिश करूंगी ताकि थोड़ा छोटा मोटा हो. सो दैट्स व्हाई मैंने स्किन केयर कर लिया है. बाय द वे मैंने जो आज मॉइस्चराइजर यूज किया है वो है लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट का मॉइस्चराइजर. एंड मैंने और क्या यूज किया है, जो भी यूज किया है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप लोग देख लेना. ओके, सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ आज कलर बार का ये प्राइमर. एंड ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस में मैंने ये यूज किया है तो आई गेस आप लोग बोर हो चुके हो, बट डोंट वरी, बहुत ही जल्द मैं अपना प्राइमर जो है चेंज करने वाली हूँ. एक्चुअली पता बात क्या है, मुझे जो चीज अच्छा लग जाता है ना मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ. सो दैट्स वाई मैं इसको रेगुलर यूज करती हूँ एंड आई एम इन लव विद दिस. सो मैंने पूरे फेस पे प्राइमर को अच्छे से लगा लिया है ताकि कोई भी एरिया छूट ना जाए. एंड आप देख सकते हो प्राइमर लगाने के साथ ही जो स्किन है किसी मैट फिनिश आ गया है और जो भी पोर्स प्रॉब्लम मेरी स्किन पे, थोड़ा बहुत पोर्स प्रॉब्लम है तो वो सब हट गया है. एंड इसके बाद जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी ना यू विल सी दी मैजिक. सो आज मैं जो फाउंडेशन यूज करूंगी वो है ये मैक का, ये दो शेड मैं यूज करने वाली हूँ. मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ. ये दो शेड मैं पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है तो ये दो शेड मैं यूज कर रही हूँ. ये है मैक फाउंडेशन एंड ये है सबसे ज्यादा डार्कर शेड एंड ये है लाइटर शेड. एंड दोनों को मैं मिक्स करके अपने स्किन टोन पे लाके देन मैं आज ये फाउंडेशन यूज करूंगी. तो मैंने यहाँ पे दोनों फाउंडेशन को ले लिया है एंड मैं इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स ताकि ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन पे आ जाए. ये फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर का है एंड आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ एंड ऑलमोस्ट पूरे फेस में हो जा रहा है. अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो बहुत ही जल्द इसका भी रिव्यू आने वाला है. वैसे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसका रिव्यू शेयर करूंगी बट इस वीडियो के बाद आपको उसका रिव्यू एकदम श्योरली मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. इसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये बेली ब्रश एंड ये बेली ब्रश का ही सेट है. इससे मैं पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. मैंने पूरे फेस पे इसको अच्छे से बेंड कर लिया है. मुझे पता है कि देखने पे ये थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है बट बिलीव मी मैक फाउंडेशन वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन जो कि इतने अच्छे से अपने स्किन के साथ मिक्स हो जाता है. एंड जब आप लगाओगे ना उसको आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है. लगाते ही आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है बट बिलीव मी थोड़े 10-15 मिनट्स के बाद जब पूरा मेकअप सेट हो जाएगा ना तब आपको असली चीज समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये कैसा दिख रहा है. ओ माय गॉड इट्स ब्यूटीफुल. मुझे नहीं पता कैमरा में आपको कितना समझ में आ रहा होगा बट ये बहुत ही अच्छा लग रहा है रियल लाइफ में. मतलब कैमरा में उतना शायद साफ साफ समझ में नहीं आ रहा होगा बट इन रियल मैं देख रही हूँ मेरा जो स्किन है वो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लग रहा है एंड सच में मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा पसंद है. नेक्स्ट मैं आईब्रोज के लिए ये पैक का आईब्रोज जेल यूज कर रही हूँ जो कि मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये के ब्यूटी का ये ट्रांसल्यूशन पाउडर. इसके लिए मतलब यही एक चीज है जिसके लिए जो बेस मेकअप है बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है. सो हियर आई एम यूजिंग दिस बेली ब्रश जो कि है बेली ब्रश अगेन. ये बेली ब्रश के सेट का ही है तो ये वाला जो ब्रश है बाय द वे मैंने आज ही वो वॉश किया है. सो इसका जो ये बहुत ही ज्यादा फ्लफी है एंड मुझे इसको यूज करने में बहुत मजा आता है. लाइक आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये सेट भी हो जाता है. ये पाउडर एक ऐसा पाउडर है ना कि आप अगर बाय चांस आप आपके फेस मतलब फेस में थोड़ा ज्यादा भी हो गया ना तो कोई बात नहीं, आपके फेस के साथ बहुत ही अच्छे से सेटल हो जाता है तो ये बिल्कुल भी केकी नहीं दिखता है. तो ये बहुत अच्छा. और हाँ इसका रिव्यू मैंने किया अपने चैनल पे, फुल रिव्यू मैंने किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हो.
नेक्स्ट में लगा लूंगी थोड़ा सा ब्लश, क्योंकि ब्लश इज माय फेवरेट पार्ट सच में। आज ना मुझे थोड़ा सा डिफरेंट आई लुक चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैं आज कोई आई शेडो वगैरह यूज नहीं करूंगी। एंड उसके लिए मैं आज यहाँ यूज कर रही हूँ इंगलॉट का ये काजल, जो कि बहुत ही पिगमेंटेड है। एंड इसका भी रिव्यू मैंने फुल किया है, नहीं देखा है तो लिंक दे दूंगी आई बटन में, वहां पर भी जाके आप देख सकते हो। देन मैं यहाँ पे ले लूंगी ब्राउन शेड, जो डार्कर ब्राउन है उसको मैं थोड़ा सा ले लूंगी एंड उसी को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। सो मैंने लगा लिया है काजल को कुछ इस तरीके से एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। एंड उसी के साथ मैं आज यहाँ यूज कर रही हूँ ये व्हाइट काजल, जो कि मेरा पहली बार मेरा यूज करना है, मैंने इससे पहले कभी व्हाइट काजल यूज नहीं किया है। तो दिस इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड इसको मैं भी यूज करने वाली हूँ। इसकी पिगमेंटेशन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सो अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसको खरीदोगे तो प्लीज आप लोग इसको मत परचेज कीजिए, बिकॉज ये वेस्ट ऑफ मनी है मेरे ओपिनियन पे। एंड मुझे लगा था थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि इसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी ही थी, मतलब ठीक ठाक थी, सो दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता ये आपको खरीदना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिप बाम लगाया हुआ था एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए लगाऊंगी, सोच रही हूँ कौन सा लगाऊँ क्योंकि पिंक आउटफिट मैंने पहनी हुई है, तो पिंक के साथ मैं सोच रही थी कि आज का लुक थोड़ा न्यूट रखूँ, बट मुझे डीप लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ अब पिंक लगा लूँ। पिंक के साथ थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके जो भी शेड मैच हो रहा है वो मैं लगा लूँ। सो ये है एलिगेंस ब्लू हेवन का ये लिपस्टिक एंड इसी के साथ में मेबलिन का ये वाली शेड लगाऊंगी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल। ये लिपस्टिक अप्लाई कर लिया एंड यू गाइस कैन सी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ये लिप शेड। मैं सोच रही थी इसके साथ मैं मेबलिन वाला थोड़ा लगा लूंगी, बट अभी मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है वैसे, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ आई मैजिक का हाईलाइटर, जो कि मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाईलाइटिंग करना। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा लगा लूंगी एंड ये बहुत ही पिगमेंटेड है, अगर आप में से किसी के भाई पास ये है तो उन्हें पता होगा कितना ज्यादा अच्छा है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ। मैंने इसीलिए आपको पहले नहीं दिखाया क्योंकि आज के इस लुक में मैं आई लैशेस अप्लाई करने वाली हूँ बहुत दिनों के बाद। सो या सबसे पहले मैं इससे मस्कारा लगा लूंगी एंड देन जो है आई लैशेस लगा लूंगी अच्छे से। आप रियल लाइफ में अगर मस्कारा को आई लैशेस को हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो, बट मुझे अप्लाई करना है क्योंकि मुझे आई लैशेस लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। बट आप देख सकते हो अगर आपके पास ये वाला मस्कारा है तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को आई लैशेस लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आई लैशेस को भर देता है। अच्छा, मतलब लगता है कि हाँ आपने कुछ लगाया है, बट फिर भी मुझे अप्लाई करना है तो मैं कर लूंगी थोड़ा। आई लैशेस अप्लाई कर लिए हैं मैंने एंड उसके बाद मैं मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन है एंड उसके बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मैक का ये प्राइमर वाटर एंड इसको मैं पूरे फेस पे से लगा लूंगी। दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई होप कि आप लोगों को जरूर पसंद आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो बहुत सिंपल रखा है मैंने एंड स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे मैंने इस लुक को अचीव किया है बहुत ही सिंपली सिंपल वे से। सो एंड आई होप कि आप लोगों को जरूर अच्छा लग रहा होगा एंड यहाँ पे मैंने जो ज्वेलरी वेयर किया हुआ ये मैंने मीशो से परचेज किया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है मीशो एक ऐसा ऐप है जहाँ आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे चीज़ भी आपको बहुत ही कम रेंज में मिल जाएंगी। एंड बाय द वे मैंने बहुत सारे
मीशो हॉल्स भी किए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख भी सकते हो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड ओके, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक।